दशहरे के इस शुभ अवसर पर टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है विजय दशमी सेल। अब होगी पढ़ाई की जीत। जी हाँ, इस 21, 22, 23 और 24 अक्टूबर को शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट्स का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट बुक एजे चैनल पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक बार जल्दी से शेयर करिएगा सभी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अभी देखो, हमने जो आज की क्लास रखी है ना, उसमें एक तो क्वेश्चन जो होंगे ब्लैक सीरीज वाले भी होंगे और सुबह 10 बजे वाली क्लास भी होगी, जिसमें हम बहुत सारे नए चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये मेरा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक दो दिन में क्लासेस दोबारा से अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी थोड़ा फेस्टिव टाइम चल रहा है तो बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, लेकिन हाँ, जो हमारी टाइमिंग है उसको हम फॉलो करते हैं। विजयदशमी आज लास्ट दिन है और फीस कम है, मतलब जो जितनी कम हो सकती है उतनी कम है। ठीक है, दशहरे की शुभकामनाएं आप सभी को। अमनदीप कोर्ट से आप इसे यूटिलाइज करें। ठीक है, चलिए, कोर्सेज आपके लिए जितने भी हो गए ना, SSC जितने भी कोर्सेज हो आपके लिए अवेलेबल। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किस लिए जरूरी होता है, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। देखो आज ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सुबह 8 बजे जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं उतने दे रहूंगा। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कार्बोहाइड्रेट किस लिए चाहिए होता है। ठीक है, ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए। हम शुगर खाते हैं वो किस लिए होता है, कि भैया हमने शुगर खाई, गन्ने का जूस पी लिया मान लो, ठीक है, एनर्जी चाहिए होगी ना इसलिए, तो है ना। बाकी ग्रोथ के लिए हमारे प्रोटीन होते हैं, जो ग्रोथ है वो प्रोटीन से होती है। चलिए, रिवर वोल्गा कौन से सी में जाके गिरती है, वोल्गा नदी कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, बताइए रिवर वोल्गा कहाँ पे जाके गिरती है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है कैस्पियन सी। कहाँ पे, कैस्पियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, जैसे आपसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बताइए लास्ट मुगल एम्परर का नाम, बताइए सबसे आखिरी मुगल एम्परर का नाम। आज रिवीजन होगी क्योंकि बीच में 2-4 दिन क्लास नहीं हुई है ये वाली, तो आज बैकअप रिवीजन करनी पड़ेगी। चलो अगर मैं बात करूँ लास्ट मुगल एम्परर, अच्छा इसमें ना लास्ट मुगल एम्परर कह रहा है बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, और लेकिन अगर मैं कहूँ ना सेकेंड है, ध्यान रखना बहादुर शाह फर्स्ट और सेकेंड दोनों लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि आपके और भी जो लेटर मुगल्स है, जैसे लाइक आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर सेकंड, अकबर सेकंड, इसमें से कौन है जिसने राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, राजा राममोहन रॉय को, ठीक है, राजा की उपाधि दी थी, इसमें से किसने, बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट लेटर मुगल्स है। ठीक है, तो इन्हीं में से आंसर है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने राजा राममोहन रॉय को किसकी उपाधि दी थी, ठीक है, राजा की उपाधि। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन किससे होता है, अगर मैं कहूँ बर्ड से संबंधित तो ओरिंथो बर्ड होता है ना, पानी से संबंधित हाइड्रो होगा। ठीक है, ऐसे ही इंसेक्ट कीड़ों से संबंधित एंटो होगा, कीड़ों से संबंधित क्या होगा, एंटो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी के लिए इसमें से क्या यूज में आता है, कमेंट करिए व्हाट इज हेल्पफुल इन फोटोग्राफी। देखो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, फोटोग्राफी की जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनती है ना, वो सिल्वर ब्रोमाइड की बनती है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, AgBr। अच्छा मैं कहूँ कि भैया नकली बारिश करनी है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन करनी है, तो कौन सा कंपाउंड यूज होता है, आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, AgI। कौन सा, AgI। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भाई AgBr भी है तो AgI पे भी क्वेश्चन आता है, या आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है, AgI यूज कर। सोडियम थायोसल्फेट भी हो सकता है, ठीक है, इसकी जगह सोडियम थायोसल्फेट भी हो सकता है, थायोसल्फेट, ठीक है, इसकी जगह ये भी हो सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बताइए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के, जैसे मान लीजिए कि पूरी दुनिया भर में जितने भी पेड़ हैं वो कितने प्रतिशत एटलीस्ट लैंड रेवेन्यू, मतलब फॉरेस्ट होने चाहिए, ठीक
कितना फॉरेस्ट होना चाहिए सो दैट की इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे दुनिया, ठीक है, चलता रहे सिस्टम, ठीक है। सिस्टम चलाने के लिए आप देखो ना, आप पेपर में पास होने के लिए कितने परसेंट लेते थे स्कूल में, 33%। कि भाई कुछ हो ना हो सिस्टम चलता रहना चाहिए, तो बस वही सिस्टम हमारे जीवन में भी है। चलिए आंसर के स्कूल 33% जो है होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सा ग्रेट प्लेन का पार्ट नहीं है, ग्रेट मतलब उत्तर भारत। आप थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करने हैं तो थोड़ा सा स्पीड में करें, ज्यादा आंसर बताएं। अधिकार उत्तर भारत में मैं कहूंगा तो गंगा तो होगी, ठीक है, आसाम भी हो गई, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन भी होगा, बस एक केरला नहीं बसता क्योंकि केरला तो साउथ में है, डेक्कन कोस्टल एरिया का हिस्सा है, किसका हिस्सा, डेक्कन कोस्टल एरिया का हिस्सा है, तो आंसर इस क्वेश्चन में ये, ठीक है। इवन इवन शिलोंग प्लेट्यू भी कहीं ना कहीं जो है उत्तर भारत का हिस्सा नहीं है, कभी कभी आता है शिलोंग प्लेट्यू, बच्चे सोचते हैं उत्तर का है, ध्यान रखना साउथ का है। चलिए खादर सोयल्स आर फाउंड वेयर, अब देखो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, अलोवियल सोयल, अलोवियल सोयल खादर और भांगर में कन्वर्ट होती है, ये दोनों की दोनों न्यू और ओल्ड है, न्यू और ओल्ड, ठीक है, किसके किनारे होती है, नदी किनारे, ठीक है, किसके किनारे, नदी किनारे। अब नदी के किनारे तो भैया फ्लड ही आएगा क्योंकि इधर ऐसे नदी के किनारे तो नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो आंसर इस क्वेश्चन का फ्लड प्लेन इस क्वेश्चन का, सर गंगा भी ईस्ट में होगा ना, अरे गंगा ईस्ट में नॉर्थ है, यूपी में गंगा फिर कौन सी आती है, उत्तराखंड में, यूपी में, ये कौन सी गंगा फिर, नई गंगा निकली है। चलो हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट भी कौन सी है, ये आसान है, देखो अगर मैं ईस्टर्न घाट कहता क्वेश्चन अलग महेंद्रगिरी, अगर वेस्टर्न घाट कह रहा हूँ तो क्वेश्चन अलग अनाई मोदी, ठीक है। अगर मैं अरावली की हाईएस्ट पीक कहूँ तो आंसर क्या है, गुरु शिखर, ठीक है, अगर मैं अरावली की हाईएस्ट पीक कहूँ गुरु शिखर, अगर मैं नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कहूँ नीलगिरी की, ठीक है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक करूँ तो आंसर है दोदा बेटा, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया कहूँ तो भैया माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। चलिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एक एक जैसे घड़ी जो होती है ना, वॉल क्लॉक जो होती है, उसमें जो मोशन होता है पेंडुलम का, ठीक है, वो किसका उदाहरण होता है, बताइए। किसका उदाहरण होता है वॉल क्लॉक में पेंडुलम का जो मोशन होता है वो किसका उदाहरण है, वो वाइब्रेटरी मोशन, कौन सा है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन भारत में, देखो वाइब्रेशन क्या है कि कोई चीज अगर इधर से इधर होके वाइब्रेट हो रही है तो आप रोटेशन लगा रहे हो, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन पूरा होता है, ठीक है, ऐसा बोलिए घड़ी का जो घंटा होता है ऐसे ऊपर से घूम के आता है, नहीं ऐसे जाता है और ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे जाता है और ऐसे आता है, तो हाउ कैन इट बी रोटेशनल, ठीक है, ध्यान रखना है वाइब्रेटरी मोशन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ज्यादा बारिश कौन से टाइप की होती है, बताइए। आज थोड़ा पार्टिसिपेट ज्यादा करो, क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो शेयर कर सकते तो करो, ठीक है। आंसर है ऑरोग्राफिक, देखो सिंपल सा है कि मानसून के समय में पहाड़ों से टकराने से बारिश हो जाती है, और बारिश होती ही मानसून में है ज्यादा, तो ये असर विंटर में भी होती है, ठीक है, विंटर में होती है लेकिन मानसून में ज्यादा होती है, ज्यादा एरिया कवर होता है। चलिए हार्वी वॉरस जो है कैसे होते हैं, कंज्यूमर कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और, ठीक है, कंज्यूमर, तो आंसर इस क्वेश्चन का प्राइमरी, कि भाई हार्वी वॉरस प्राइमरी है, ठीक है, ऑब्वियसली जो घास खा रहे हैं हर्बीवोरस है वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है, लेकिन उसके अरे ऑर्डिनरी कहाँ से आ गया, टर्जरी कहाँ से आ गया, ठीक है, हर्बीवोरस घास खाने वाला हिरन है तो वो प्राइमरी नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन देखें, मुद्र रक्षका किसके द्वारा लिखेगी, बताइए मुद्र रक्षका के राइटर का नाम बताइए, हू रोट, हू वाज द राइटर ऑफ मुद्र रक्षका,
ठीक है। तो आंसर विशाखा दत्त, देखो जैसे बाना हो गया बान घटा, हर्षवर्धना लिखी थी इन्होंने, हर्षचरित्रा लिखी थी इन्होंने हर्षवर्धना के समय, ठीक है। कालिदास ने तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, विशाखा दत्त इस क्वेश्चन का, इसलिए आंसर की आसान क्वेश्चन यही है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी, हमारे पूरे भारत के दक्षिण में क्या, और इंडियन टेरिटरी लिखा है, ठीक है, इंडियन मेन लैंड नहीं लिखा। अगर कभी कभी होता है बच्चे पढ़ते रहिए, इंडियन मेन लैंड लिखा होता तो आंसर पता क्या होता है, तब आंसर कन्याकुमारी ही होता है, बट टेरिटरी जब लिखा हो तो आंसर इंदिरा पॉइंट या अंडमान निकोबार लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को पैगमिलियन पॉइंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। और जहां पे इधर टेरिटरी की जगह मेन लैंड लिखा होगा तो आंसर तमिलनाडु का कन्याकुमारी की तरफ ही हो सकता है, ठीक है। बताइए सारे डेजर्ट्स में जो विंड फ्लो करती है उसे क्या कहते हैं, बताइए, आसान क्वेश्चन। देखो जो हॉट ड्राई डस्टी लोकल विंड है सारा डेजर्ट की, वो कौन सी है, वो सिरोकोस, वो सिरोकोस है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक कौन सी डायनेस्टी है जो नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रही थी जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया। देखो ये वाला टाइप क्वेश्चन है, ऐसे भी आता है कि अलेक्जेंडर ने कौन से वर्ष में आक्रमण किया, ये अच्छा इसमें ये ध्यान रखना, डॉक्टर विंड, हरवतन, चिनो, मिस्ट्रल, ये भी सारे विंड फेमस, ठीक है, मतलब लू हो गया, चिनो हो गया, मिस्ट्रल हो गया, ठीक है, ये सब एक बार देखना जरूर अगर नहीं देखा अभी तक। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, नंदा डायनेस्टी। अरे भाई मोरेन कहाँ से रूल कर रहा था, मोरेन एम्पायर तो नंदा डायनेस्टी के बाद आया, धनानंद की सेना थी, धनानंद की सेना से जो है टकराना पड़ा, तो धनानंद की सेना से टकराया तो नंदा डायनेस्टी हुई कि मौर्य डायनेस्टी, क्यों मौर्य डायनेस्टी लगा रहे इतने बुरे हाल कैसे। एक और क्वेश्चन देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का प्यारे नंदा डायनेस्टी, ठीक है। आते हैं नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन, महापद्मा नंदा, सुंग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनागा, मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त, एक कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर कनिष्क, सॉरी कनिष्णी, क्या बोलते हैं, कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे जल्दी से बताइएगा, कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, आई फॉरगेट द नेम, कैसे ही नाम है, कृष्ण भगवान से ही संबंधित कहते हैं, एक कान्हा, क्या नाम है, वासुदेव, हाँ कृष्ण भगवान से संबंधित है वासुदेव, मेरे दिमाग को ना कृष्ण भगवान रहते, काना वासुदेव कह सकते हैं, वासुदेव कृष्ण भगवान के लिए होता है ना। तो लेकर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, समुद्र के पानी से वाटर, प्योर वाटर निकालने का प्रोसेस क्या हो सकता है, समुद्र के पानी से प्योर वाटर निकालने का प्रोसेस क्या हो सकता है, क्वेश्चन आंसर ठीक है। देखो सी वाटर जो है उसमें से प्योर वाटर निकालने का प्रोसेस क्या हो सकता है, डिस्टिलेशन, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लेकर क्वेश्चन देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज कहूंगा स्पष्ट रूप से कि सारी ही ऐसा ही देखे, देखो ऐसा यूनिट अगर आप देख के चले जाओगे तो आपका एक नंबर पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब सारे एक साथ नहीं होंगे ऐसा यूनिट के, क्योंकि बहुत बोरिंग सा हो जाता है वो, इसलिए मैंने सारे एक साथ नहीं करा। अब जैसे क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, बताइए, ये आसान है क्वेश्चन कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है क्या, शुगर, इट्स अ फूड फॉर फोटोसिंथेसिस, फूड के लिए होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट इज अ शुगर फॉर्म दैट इज अ फूड फॉर प्लांट, ठीक है ना, आंसर ये है। चंद्रगुप्त मौर्य कैसा शासक, चंद्रगुप्त मौर्य, देखो शुरुआत में नंदा डायनेस्टी को खत्म करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, ठीक है, ही वाज फ्रॉम द पुअर फैमिली एंड फ्रॉम, ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड से है जिसमें एफर्ट लगे, तो वो एक परोपकारी राजा बना, ठीक है, मेनोवेलेंट जो है, ठीक है, डेस्पोटिज्म जो है था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सन की जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पूरे की ऊर्जा, बेटा अभी इसके बाद 10 बजे भी क्लास है, डोंट मिस द सेशन, 10 बजे का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बताइए आंसर के इस क्वेश्चन, ठीक है, आंसर के इस क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक
फ्यूजन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हाँ चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। रॉकेट फ्यूल कौन सा होता है? ठीक है, मतलब रॉकेट लॉन्च करने के लिए जो फ्यूल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाले बच्चे मैं देखना चाहूंगा, कौन रॉकेट किससे लॉन्च कर रहा है? पेट्रोल से, कैरोसिन से, हाइड्रोजन से, एल्कोहल से? रॉकेट किसके थ्रू लॉन्च होता होगा, कौन सा फ्यूल चाहिए होता होगा बताइए। देखो कॉमन चीजें होती तो भैया रॉकेट लॉन्च हो जाता है आराम से, लेकिन हाइड्रोजन इसमें आंसर होना चाहिए क्या? हाइड्रोजन क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? हाइड्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन है दैट एक्सेलरेट द रेट ऑफ हार्ट बीट? हार्ट बीट का जो रेट एक्सेलरेट होता है वो किस हार्मोन की वजह से? ठीक है, द आंसर इज एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। हु वाज द कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ महाराणा प्रताप? हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के कमांडर का क्या नाम था? जो महाराणा प्रताप की ओर रिप्रेजेंट कर रहा था वो कौन था? ठीक है, मान सिंह तो जैसे अकबर की तरफ से था। ठीक है, तो सवाई सिंह, हकीम खान सूर, क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है चलिए, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है, अरे मान सिंह। कहां से भाई, मान सिंह तो इतना प्रसिद्धि थी कि भैया मान सिंह जो है अकबर का था। मान सिंह अकबर के रत्नों में से एक मान लो, मान सिंह अकबर की तरफ से था। आंसर है हकीम खान सूर इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है आंसर? हकीम खान सूर इस क्वेश्चन का आंसर, मान सिंह अकबर की तरफ से। ब्लड 7.4 pH होता है, उस हिसाब से बताओ ब्लड क्या होगा? एसिड, अल्कलाइन, न्यूट्रल या बफर बताइए। आंसर कैसे 7.4 pH अगर है तो आंसर क्या हुआ? तो आंसर के इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली यार ये अल्कलाइन जाएगा, तो ये सर अल्कलाइन मतलब बेस की फॉर्म में जाएगा, बेस दैट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो अल्कलाइन बेस ही होते हैं। ठीक है, तो 7.4 होने का मतलब बेस ही होगा, 7 या उससे नीचे होता तो मैं कहता, 7 से नीचे होता तो कहता ऐसे। ठीक है, बताइए बड़ा प्यारा क्वेश्चन। नकली दस्तावेज हैंडराइटिंग का पता करने के लिए, फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए इसमें से कौन सी रे को यूज किया जा सकता है बताइए? आंसर क्या, कौन सी रे को यूज किया जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो आंसर के इस क्वेश्चन का, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस को यूज किया जा सकता है। ठीक है, यूवी रेस को यूज किया जा सकता है। ठीक है चलो, हुज डिसिपल वाज शेख निजामुद्दीन अहलिया? ठीक है, शेख निजामुद्दीन अहलिया, ठीक है, किसके डिसिपल थे? ठीक है, मतलब किसके गुरु, किसके शिष्य थे? बाबा फरीद। शेख निजामुद्दीन अहलिया दिल्ली में रहे थे, अकबर का समय था, बाबा फरीद के शिष्य थे, इसके बाबा फरीद। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन देखिए। हाउस फ्लाई का जो मक्खी होती है, कॉमन जो मक्खी होती है, उसका जो लार्वा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, हम 50-60 से ज्यादा क्वेश्चन, 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, मतलब आज 10 बजे भी आपकी क्लास होगी। ठीक है, मतलब आज फुल क्वेश्चन होने हैं, बहुत सारे होने हैं। फिर उसके बाद रात को अभी मैं कोई क्लास नहीं रख रहा है, एंड दशहरा भी है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग फेस्टिवल में गए हुए हैं। अभी तो भाई दिवाली भी आ रही है, फिर तब छुट्टी मारोगे खुली। ठीक, दिवाली में खुली छुट्टी होती है, सभी होता है। चलो तो आंसर है मैगोट इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो, ट्रिटॉन इज अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, मरकरी, यूरेनस, नेपच्यून बताइए। ट्रिटॉन किसकी सैटेलाइट? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ट्रिटोन इज द सैटेलाइट ऑफ, ऐसे देखो सैटेलाइट के क्वेश्चन तो सबके ही आने हैं। ठीक है,
जुपिटर का भी आ जाएगा कि भैया गैनमेड है, यूरोपा है, ऑप्स है, ऐसे ही ट्रिटोन नेपच्यून का है, ठीक है। इसमें से किस चीज कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है बताइए इसकी कौन सी सैटेलाइट नहीं है, जल्दी से बताइए। सर मैं इस ईयर कोई फेस्टिवल नहीं मनाऊंगा भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है जो फेस्टिवल नहीं मनाओगे, और जो पढ़ाई रीजन है तो बेकार रीजन है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध की जो मूर्ति पूजा स्टार्ट की गई थी दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की, इसमें से मरकरी है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं होगा, मरकरी और वीनस से संबंधित, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वर्शिप ऑफ इमेजेस, ठीक है, कहाँ पे देखो, कौन से किसके समय में मूर्ति पूजा स्थापित है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है ना। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है कुषाण कनिष्क के समय में, कुषाण के समय, कनिष्क के समय में, जब एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, इसी समय डायनासोर के समय में, जो अम्लीय वर्षा है, जो एसिड रेन है प्यारे, उस एसिड रेन में क्या होता है, ठीक है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों पड़ते हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों पड़ते हैं, क्वेश्चन आपको मिल, क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन, मतलब जो भी सिद्धांत हैं, त्रिपिटक्स हैं, ये सब किस भाषा में लिखे गए, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन। सर आंसर बिल्कुल देखो सफिशियंट, तो अभी आप ये समझ लो कि अभी एक दो दिन आप क्लासेस बस देख लो, ठीक है, सबके सब एग्जाम के लिए अलग से बैच मैं पक्का ले, ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, अभी देखो टीम ऑर्गेनाइज नहीं है कि अभी कौन से एग्जाम प्रॉपरली टारगेट किए जाए, तो 2 4 दिन लगेंगे, फेस्टिवल भी है, हम इस पे बीच में स्टार्ट करा दें फिर छुट्टी हो जाए, फिर स्टार्ट कराए फिर छुट्टी हो जाए, उसका मजा नहीं है कुछ, तो एक दो दिन बाद हम जो है ऑर्गेनाइज वे में कुछ कोर्सेज लॉन्च करेंगे आपके लिए, वो आप जरूर देखिएगा, अभी के लिए आप ये देखें तो पहली बात। एक और क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य कहाँ से थे, जो ठीक है चाणक्य थे, कौटिल्य यानी कि, ठीक है, वो कहाँ से थे, ठीक है, तक्षशिला, तक्षशिला की तरफ से थे, तक्षशिला, ठीक है, पाकिस्तान उस एरिया में पड़ता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा, देखो पानी सोल्यूबल किसमें होता है, बी और सी में, ठीक है, बी और सी में होता है, बाकी फैट सोल्यूबल है, ये इवन के ये फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल है। एक और क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्रा शुंगा, अभी मैंने आपको बताया कि शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे, और किस धर्म की पूजा करते थे, किस धर्म की पूजा करते थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, हिंदू धर्म, इसकी हिंदू धर्म की पूजा करते थे पुष्यमित्रा शुंगा, ठीक है, इस धर्म की, हिंदू धर्म की पूजा करते थे पुष्यमित्रा। एक और क्वेश्चन देखिए, ब्राइन इज द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ब्राइन इज द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो आंसर सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इन वॉटर, ठीक है चलिए, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जब एक्सपेरिमेंटल टाइम, एक्सपेरिमेंटल वे में जो टेलीविजन स्टार्ट हुआ था, वो कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था, मतलब एक्सपेरिमेंटल वे में जो टेलीविजन स्टार्ट हुआ था, वो कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था। प्यारे देखो आंसर है इस क्वेश्चन का 1959, एक्सपेरिमेंटल वे में। एक और क्वेश्चन देखिएगा,
फॉलोइंग रिवर लाइज इन द रिफ्ट वैली, कौन सी नदी रिफ्ट वैली में, ठीक है? बुरे हाल हो गए। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो तापी इवन नर्मदा, नर्मदा या तापी में से ही कोई ऑप्शन में होगा, कि या तो नर्मदा लिखा होगा, ठीक है, या तो तापी लिखा होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखा होगा। स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से जो आगे हमारा है वो कितना है, ग्रीनविच मीन टाइम से जो आगे हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आगे, क्योंकि आगे ही है ना, क्योंकि आगे ही है तो कितना आगे है बताइए आंसर क्या। तो आंसर है 5.5 घंटे आगे, कितना आगे, 5.5 घंटे आगे, ठीक है। और एक चीज अगर बाकी देशों के लिए पूछी जाए तो अंदाजा होना चाहिए, लमसम के बांग्लादेश 5 घंटे आगे, बांग्लादेश 6 घंटे आगे, पाकिस्तान 5 घंटे आगे, ठीक है, हम 5.5, ठीक है। द फॉलोइंग वर्क ऑफ कालिदास जिसमें आंध्रास की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कालिदास का ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसमें आंध्रास के बारे में बता रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो आंसर है मालविका मित्रा, क्या है आंसर, मालविका मित्रा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर खराना लिखा, खराना लिखा खुराना है, हर गोविंद खुराना, क्या नाम है, हर गोविंद, ठीक है, हर गोविंद खुराना इसमें से किससे संबंधित, कौन से फील्ड से संबंधित जिसमें इन्होंने काम किया है, जिसमें इनको, ठीक है, अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया था, सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है। चलो तो आंसर जेनेटिक कोड्स, ATGC सुनते हो आप, ATGC और AUGC, बिल्कुल नोबल, AUGC, ये जेनेटिक कोड्स इन्हीं से संबंधित है, ठीक है, इन्होंने इसका डिटेल बताया, ठीक है ना, बताइए आंसर। इंडियन रूलर कंट्रोल द जावा एंड सुमात्रा, सुमात्रा जावा पे किस, जैसे श्रीलंका पे किसने कब्जे किए ये भी सवाल आता है, वैसे ही जावा सुमात्रा पे किसने कब्जे किए ये भी सवाल आता है, ठीक है, दो प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, राजा चोला, इस राजेंद्र चोला इस क्वेश्चन का आंसर है। फोटोग्राफी आप वही देखो, ये मैंने आपको अभी बताया था कि AGVR तो एक है, दूसरा भी आपको फोटोग्राफी के लिए कंपाउंड का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दैट इज कौन सा, फोटोग्राफी के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि भाई फोटोग्राफी के लिए ये सवाल भी पूछा जा सकता है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बी की लगा रहे हो थायोसल्फेट, बताइए यूटी जिसके डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है, देखो यूटी जिसके डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है कौन सा है, पुडुचेरी, पुडुचेरी, चार डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जगह, कोई कह नहीं सर जम्मू कश्मीर को और भी ज्यादा बिल्कुल है, लेकिन अलग अलग जगह पे है ना, ठीक है, मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, अभी इसमें से ऑप्शन में पौंडीचेरी, ठीक है। पता ही इस क्वेश्चन का आंसर, लोहे का वेट कहाँ पे ज्यादा होगा, ये तो साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन हुआ कि लोहे का वेट कहाँ पे ज्यादा होगा, हवा में, एटमोसफेयर में, ठीक है, इसमें ना ऑप्शन थोड़े से गलत लिखे हैं, वैक्यूम आंसर लगा इस क्वेश्चन का, बाकी बीच में ऑप्शन भी गलत है, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वाटर गलत दिखा, लेकिन वैक्यूम आंसर है, वैक्यूम में लोहे का वेट ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वैक्यूम में ही वेट होता है। एक और क्वेश्चन देख, कुतुब मीनार को, ठीक है, रीबिल्ड किसने किया था, टॉप स्टोरी को जो टॉप फ्लोर था, आफ्टर द डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होने के बाद, देखो सिंपल सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए, ठीक है, इल्तुतमिश पूरा किए और फिरोजशाह तुगलक, ठीक है, सही किए, मतलब जो टूट फूट हो गई थी
सही है, तो आंसर फिरोशा तुगलक होना चाहिए। ठीक है, ऐबक क्यों लगा रहे हो जब कुतुब मीनार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने, और सही किया फिरोजशाह तुगलक। इसमें सही करने की बात हो रही है ना, डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको सही किसने किया? फिरोजशाह तुगलक ने। चलेगा क्वेश्चन देखिएगा, किंग करे वाला जो थे, ठीक है, कलिंग किंग की कैपिटल क्या थी? चलो, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? किंग करेवाला जो थे, इनकी कैपिटल थी कलिंगारा। क्या थी? कलिंगारा। इस क्वेश्चन का आंसर है कलिंगारा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ऑन अप्लाइंग द कांस्टेंट फोर्स टू द मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो, फोर्स है, मास है, तो एक्सेलरेशन का ही तो मसला होगा। सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो अगर तीन यूनिट है, फोर्स है, मास है, तो बचता क्या है? एक्सेलरेशन ही तो बचता है। तो फॉर्मूले जहां पता होते हैं वहां क्वेश्चन जरूर होते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं कर रहा क्वेश्चन। खिताब रेंज जो है कहाँ पे है? साउथ की तरफ है कहीं? पता ही खिताब रेंज फेमस है। ठीक है, आना चाहिए क्वेश्चन में कि भाई खिताब रेंज कहाँ पे है। गोदावरी और पालकुंडा रेंज। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार एंड सन? स्टार और सन की जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? ठीक है, देखो, द एनर्जी सोर्स इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, सन की बात हो रही है तो फ्यूजन ही होगा, नो कंफ्यूजन, इट्स फ्यूजन। ठीक है, कैन शुगर का फॉर्मूला क्या है? आप बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन करने की कोशिश, 70-80 तो होने चाहिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन काम के हैं, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और 10 बजे भी मैं सुबह क्लास लाऊंगा, इसके बाद 1 घंटे का गैप दूंगा, 10 बजे क्लास लाऊंगा, और 10 बजे की क्लास जरूर देखना काम की है। ठीक है, कैन शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। क्या है? C12H22O11। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कन्वर्सेशन ऑफ ऑयल इनटू सॉलिड फैट। ठीक है, दैट कन्वर्सेशन इज हाइड्रोजनेशन। देखो बेसिकली क्या होता है, जो ऑयल है इट्स अनसैचुरेटेड ऑयल, अनसैचुरेटेड, जो जैसे अच्छे ऑयल होते हैं लाइक ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये है अनसेचुरेटेड फैट। और यही अनसेचुरेटेड फैट में सॉलिड फैट यानी कि सैचुरेटेड ऑयल में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि वनस्पति में। और ये पूरी प्रोसेस जो है हाइड्रोजनेशन है, 10th क्लास NCERT। क्वेश्चन बड़ा आसान है, 10th क्लास NCERT में ये दे रखा है। उत्तर रूलर्स में कविराज टाइटल किसको दिया गया? एक और अच्छा क्वेश्चन, टाइटल के क्वेश्चन, राजाओं के राजा, महाराजा दी राजा, कविराज, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये सब टाइटल जिसने नहीं पढ़े उसने क्वेश्चन गवा दिया। वही चीज है, कविराज, गुप्ता रूलर्स में टाइटल किसको दिया गया? श्री गुप्ता, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, किसको ये टाइटल दिया गया? सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है आदमी। समुद्रगुप्त को। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वर्धमान महावीरा की मृत्यु कहां हुई थी? भगवान वर्धमान महावीरा की मृत्यु कहां हुई थी? ठीक है, आंसर है पावापुरी। ठीक है, आंसर है पावापुरी। पावापुरी इज द आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन ये नहीं करना क्वेश्चन, वैसे इसका डज नॉट हैव एनी लिक्विड, एंड्रॉइड बैरामीटर में कोई लिक्विड नहीं होता।
फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया जियोलॉजिकली ओल्ड है, सबसे पुराना फीचर कौन सा? कौन सा फिजियोग्राफिक फीचर है जो जियोलॉजिकली सबसे ओल्डेस्ट है? ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? तो आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आने के चांसेस हैं। पेनिनसुलर प्रायद्वीप ये भारत सबसे पुराना है, सबसे नया हिमालय से। ठीक है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है किसके लिए? काजीरंगा नेशनल जो पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आसाम में, है ना? कहाँ पे? आसाम में। और वन हॉर्स रियोनोस के लिए बड़ी फेमस है, तो आंसर है इस क्वेश्चन में वन हॉर्स रियोनोस। संवाद गोमती के एडिटर का नाम बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मीरतुल अकबर के एडिटर भी यही। अब आप बताओ, हिंट दिया, मीरतुल अकबर बताइए। चलो, तो आंसर इज राजा रामन रॉय। संवाद मुनि मीरा तो अकबर इसलिए क्योंकि ना अकबर के समय में थे, ठीक है, तो इसलिए नाम भी याद रहता है। संवाद मुनि तो है ही है, ठीक है, रोशनारा, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आनंद मठ, ठीक है। बताइए कहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज्यादा होता है, वैरायटी ज्यादा होती है वाइल्ड लाइफ की, एक्सेस डैम्पनेस है यानी कि पानी है, तो ये कौन सी जगह होगी? तराई जोन होता है क्या? ज्यादातर जंगल तराई जोन में ही होते हैं क्या, जहां पे पानी सरफेस पे ऊपर होता है? बताइए तराई जोन क्या होगा आंसर? क्या आंसर तराई जोन होगा? जानने के लिए देखिए, क्या बताइए आंसर क्या है? द आंसर इज तराई। ठीक है, तरह ही आंसर है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कमेंट करिए। हु डिस्कवर दैट द फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज सेम फॉर एनीवन, मतलब ऊपर से कुछ भी नीचे गिरेगा तो सबका सेम ही एक्सेलरेशन होगा, 9.8। द आंसर इज कि ये गैलीलियो ने बताया था कि भैया फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम फॉर एवरीवन, 9.8 ही रहेगा। ठीक है, जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया, बांग्लादेश को आजाद ही इंडिया ने किया, तो इंडिया ने चाइना को और बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था जब ये आजाद। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? 64 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, आज क्वेश्चन भी अच्छे खासे थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे आज, और काम के क्वेश्चन थे। ठीक है, आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। अब एक सीरीज स्टार्ट करिए तो प्रैक्टिस कर लो। मनीला है फिलीपींस में। मैन हैज हाउ मेनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड के कितने पेयर होते हैं? 3, 4, 6, 8। हाउ मेनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? पेयर आप 3, ठीक है, 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, 3 पेयर होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया का लॉ जो है कौन सा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लो, थर्ड लो, कौन सा लो जो है लॉ ऑफ इनर्शिया को कहते हैं? ठीक है, तो सभी के सभी है ऑब्वियसली, A to Z। अच्छा, जड़त्व का सिर्फ और सिर्फ जड़त्व का पूछा, फर्स्ट लो है, ठीक है, न्यूटन लो के हिसाब से इनर्शिया लिखा हुआ है, तो पहला। इलेक्ट्रिक फ्लो किसके थ्रू होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है वहीं पे इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो है बिजली जाएगी। केमिकल चेंज कौन सा? देखो, केमिकल चेंज क्या हुआ जिसमें कोई बदलाव वापस ना हो सकता है, रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है, देयर कैन बी नो रिप्लेसमेंट ऑफ द थिंग। ठीक है, वो चीज बाकी नहीं हो सकती है, वापस नहीं आ सकता है। लोहे पे जंग लग गया तो भैया एक बार लग गया तो लग गया, वो तो ठीक नहीं होगा, है ना? बाकी तो ठीक हो जाएगा कि भाई मेल्ट है दोबारा सॉल्डर कर लो, मैग्नेटाइज है डीमैग्नेटाइज कर लो, हीट है ठंडा कर लो, बट लोहे में जंग लगा है तो उसका कुछ ना कर सकते आप। ठीक है, रिवर दामोदर कहाँ पे जाके खत्म होती है? दैट फोर्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? गंगा नदी,
हुगली नदी सहायक नदी है क्या? हुगली नदी की रिवर दामोदर। इफ यस देन आंसर इज हुगली, अदरवाइज आप बताइए बताइए रिवर दामोदर कहाँ पे जाके एंड होती है। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का रिवर हुगली, हुगली की सहायक नदी है और ये हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा, ठीक है ये हुगली की सहायक नदी। भक्ति मूवमेंट को किसने प्रमोट किया था बताइए। आज बहुत प्यारे क्वेश्चन हुए सारे के सारे, ठीक है चाहो तो इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे, अच्छी पीडीएफ है ये भी, ठीक है। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी आंसर के इस क्वेश्चन का, आंसर इज शंकराचार्य, शंकराचार्य। टमाटर का लाल कलर होने का क्या कारण होता है, किसकी पैदल की वजह से टमाटर लाल होता है? टमाटर के लाल कलर होने का क्या, जैसे ऐसे कहते हैं कि भाई कोई भी चीज है जिसके ग्रीन या रेड या येलो कलर है, पत्ते पीले होते हैं किस वजह से, लाल भी होते हैं किस वजह से, हरे भी होते हैं किस वजह से, ठीक है ब्लड रेड है किस वजह से, टमाटो रेड है किस वजह से, तो ये सब सवाल आएंगे। लाइकोपीन है इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन है प्रेशर ग्रुप जो होता है फ्लूड के लिए, ठीक है वो कौन सा होता है, तो प्रेशर वैसे कर सकते हैं फ्लूड का कि पाइप में से कितना पानी कितनी स्पीड में जा, ठीक है इफ यू हैव टू मेजर दैट थिंग कि भाई कितना पानी कितनी स्पीड में जा रहा है, चलो जी तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है मैनोमीटर। देखो क्वेश्चन देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है बिल्कुल एक हाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन सी एनर्जी में होगा, स्टेशनरी एलिवेटेड ऑब्जेक्ट, काइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है मोमेंटम। तो देखो जैसे अगर ये है ना तो इसके ऊपर ना MGH फॉर्मूला लगता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लगती है, ठीक है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी लगती है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरा में, ठीक है गंगा प्लेन जो है जैसे वाइड होता है गंगा प्लेन, ऐसा स्ट्रक्चर है गंगा प्लेन का ऐसे, तो ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तुम क्या कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट वाइड है या कुछ और आंसर, आप बताइए सोचिए थोड़ा सा। ईस्ट टू वेस्ट बेसिकली अब मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है कि नदियां उधर से ऐसे आते हैं वैसे कन्वर्ज हो रही होती है, तो ये कह रहा है वाइड किस तरफ है, तो वाइड तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है ना, ठीक है वेस्ट टू ईस्ट नहीं है ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है वाइड होने की बात हो रही है ना, वाइड किस तरह हो रहा है ईस्ट से वेस्ट वाइड हो, अरे एक्शन एज इक्वल रिएक्शन, तो भैया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सब में से आंसर थर्ड लॉ है, जैसे इनर्शिया वाला फर्स्ट था, ठीक है आयोडीन किस हॉर्मोन में होता है, कौन से हॉर्मोन में आयोडीन होता है, थायरोक्सिन जैसे वैसोपरेसिन है, ठीक है किडनी वाटर प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है यूरिन बनता है वैसोपरेसिन से, प्रोलैक्टिन हो गया मिल्क प्रोड्यूस होता है, एडलिन हो गया इमरजेंसी हार्मोन हो गया, तो मतलब इनमें से क्वेश्चन आते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म किसके द्वारा स्टार्ट किया, रिलीजियस मूवमेंट किसने स्टार्ट किए थे, लीड किसने किया था, बताइए आंसर के। ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन कर रहे थे यानी कि 10 ये वाले और पहले के 70 डन है ऑलमोस्ट, आंसर है क्षत्रिय प्रिंस, जैसे महावीर थे भगवान महावीर गौतम बुद्ध। अगर ये हो चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए लास्ट दो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है 45 मिनट में ही एंड कर दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हो चुके हैं, हमने अच्छे 70 क्वेश्चन जो कर रहे हैं स्टार्टिंग में वो बहुत बेहतरीन थे। डायबिटीज किसकी वजह से, लास्ट दो क्वेश्चन कर लेते हैं, डायबिटीज किसकी वजह से होता है, देखो अगर डायबिटीज हो रहा है ना तो कहने का मतलब इंसुलिन लेवल कम हो रखा है, ठीक है तो इंसुलिन अगर कम है, अरे यार इंक्रीज नहीं होता है इंसुलिन, कम होता है फॉल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन तो होना चाहिए, इंसुलिन तो इंजेक्ट किया है आप। लास्ट मोरन किंग कौन थे,
आंसर इज विदर्भा, जिसको पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था एंड शुंगा वंश की स्थापना करी। चलो तो देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन करे हैं 80 क्वेश्चन करे आज टोटल, और ये वाले 80 जो है कल कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना अमन सर टेक्स्टबुक, सो दैट कि आपको कंटेंट आए। देखो कंटेंट अभी इसलिए नहीं आ रहा, जो मैंने कंटेंट अभी तक लेटेस्ट में डाला होगा वो बड़ा ही कंटेंट होगा, छोटा नहीं होगा, वो देखो उसमें सब होगा। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्टबुक में ही होगा वो भी, ठीक है। तो आप वो पढ़ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन है इसमें जुड़ सकते हैं, विजयदशमी पे जो ऑफर्स है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई कहेगा सर ये इतनी कम फीस होनी चाहिए, ये कम फीस संबंधित कोड लगा के हो, ठीक है। विजयदशमी पे आप टेक्स्टबुक ऐप पे जाइए, ठीक है, और टेक्स्टबुक ऐप पे अपना ना गोल सिलेक्ट करिए इंजीनियरिंग का, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला देखते हैं, और इसमें आप अपने कोर्सेज ले सकते हैं। डिपेंड्स, देखो मैं अभी ALT का गाइडेंस दूंगा, क्योंकि आएगी नेक्स्ट वैकेंसी तो वो काम की आपकी ALP आएगी, ठीक है। तो ALP में पूरा कोर्स बहुत कम फीस में मिलने वाला, ठीक है, इतनी कम फीस में, बट इसमें कोड लगेगा इससे भी कम हो जाएगा। अमनदीप कोड से आप यूटिलाइज करके देखें, ठीक है, मतलब अभी के ऑफर में ALP की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे जुड़, ठीक है। तो शेयर करो वीडियो को, बैल दो सभी के सभी जितने बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद आप सभी का, ठीक है ना। ओके आकाश, मिलते हैं कल की, अभी 10 बजे क्लास होगी, 10 बजे भी क्लास होगी।